मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जैसे मैं बना रही हूँ, आप डर गए, वो नजर ही नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान से मांगो कि ये चीज ठीक निकल आए, नया बर्तन है, नया कुकिंग ब्लॉग है ऑफ 2024, तो बस भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान सब ठीक कर देता है, भगवान सब ठीक कर देता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो चुकी है, बज रहे हैं सुबह के 11। सारे काम हो चुके हैं घर के, क्योंकि सारे काम आज निपटा देने थे, यही प्लान था, क्योंकि आज वो खुशनुमा दिन है जिस दिन मेरी बेबी एक और डिश बनाने वाली है, और एकदम अलग, एकदम अनोखी, जिसकी इच्छा मुझे काफी टाइम से थी। तो अभी शुरू करते हैं फटाफट किचन में संभावना। तो मैं दिखा देता हूँ बच्चों को, ये ऐसे बैठा हुआ, इसको लग रहा मम्मी बाहर है। बेटा मम्मी अंदर ही है, दरवाजे पे किसका वेट कर रही थी? चेरू मामा, कैंडू सब तैयार है मम्मा का टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि मम्मा आज कुछ नया करने वाली है। ये भी तैयार है कुकड़ा, उल्टा और ये रहा हमारा शेफ जो आज कुछ करने जा रहा है, और उसे भी नहीं पता वो क्या करने जा रहा है। आज बनेगा दोस्तों मक्के की रोटी सरसों का साग। आज खड़ावांगे तुहानू मक्के की रोटी ते सरसों का साग, भाई वाह। आज अगर ऐसी पंजाबी डिश बन रही है तो मुझे लग रहा है पूरा ब्लॉग पंजाबी में होना चाहिए। और टेंशन हो गई क्या? दो टेंशन हो गई, एक तो बनाना भी है जो कभी छुआ नहीं, कभी बनाया नहीं, और ऊपर से पहले तो सबसे पहले दोस्तों हमारी कढ़ाई, नई कढ़ाई निकल गई है, इसको मैंने अच्छी तरह से मांज लिया है। ये मानो इसमें बन गया है सरसों का साग, ठीक है, बन ही गया है, मान ही ले। देखो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जब आप सरसों का साग बनाए, भूल गई आज लग रहा है कुछ, उसमें करना कुछ नहीं है, आपको ज्यादा कुछ है ही नहीं था। आज ऐसा लग रहा है कुछ अशुभ होने वाला है। ये देखो मैंने गड्डी यहाँ पे काट के रख दी है, सबसे पहले असा धोएंगे। यार ये ना, एक तो ना मैं क्यों नहीं बनाती हूँ ना, क्योंकि ना इसमें इतना कूड़ा निकलता है ना। ये देखो जी हमारा, ये ना पहले तो सबसे पहले साग, और मैं बड़ा इजी तरीके से बनाने वाली हूँ, सो दैट सबको समझ में आ जाए, आता ही होगा, आप लोग तो मुझे समझा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश में हूँ कि मैं आपको समझाऊँ। ये रहा सोया, ये 100 बार बोल चुकी हूँ, ये रहा गड्डी, ये रहा सरसों का साग, ये रहा पड्डी, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है साग। तो ये रहा पालक, यहाँ पे बथुआ, यहाँ पे निकाल के रखा है, ठीक है। इसको हम दोस्तों बुरी तरह से धोएंगे, जैसे आप नहाते हो, अगर आप कहीं चले जाओ और आपको मिट्टी साफ करनी है अच्छी तरह से, तो आसानी से निकलती नहीं है जब आप समुन्दर से आओ, वही हाल इसका है। ये धोने में ना आपके और आप कहोगे कि भैया हमने काटा क्यों नहीं, पहले काट लेते फिर धो लेते, नहीं, इसको पहले धोएंगे, इसकी मिट्टी निकालेंगे और उसके बाद ही सारा काम होगा, ठीक है। आज तो बच्चे भी डाउट में लग रहे हैं, बहुत उदास हैं कि मम्मा बना नहीं पाएगी, क्यों ले लिया टेंशन अपने ऊपर। आज बेबी को मैं ऐसा खिलाऊंगी, याद रखेगा। अभी बच्चों का भी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है कि मम्मा ये क्या चैलेंज ले लिया आपने, उनको विश्वास नहीं है तुम पे, पता है? नहीं है क्या? नहीं, मेरे बच्चों को मुझ पे विश्वास नहीं है। नहीं। इसको ना अगर बराबर नहीं धोया ना तो इतनी किचकिच होगी ना, याद रखोगे मिट्टी किचकिच तो रोज ही होती है हमारे घर में, घर में होती है ना, इसमें खाने में भी हो जाए तो गड़बड़ है। तो जी बथुआ मेथी दोनों धुल चुके हैं, 15 मिनट लगा के मैंने अच्छे तरह धोया, बिकॉज इसको धोना बड़ा सही तरीके से चाहिए, क्योंकि इतना सा भी अगर मिट्टी आ गई ना तो फिर हो गया आपका मक्खी की रोटी, ठीक है, मक्खी की रोटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तैयारी कर लेते हैं, करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत ही इजी होता है बनाना, इसको धोने में बड़ा टाइम लगता है। अरे बस धोने की बात हो रही है, गड्ढे से आगे कुछ करो कि मैं ना सबसे पहले तो एक काम कर देती हूँ। देखिए तुम कंफ्यूज लग रही हो, सुनो एक सेकंड। मेरे को लग रहा है पहले तुमको एक बार इसको बना लेना चाहिए था, प्रैक्टिस हो जाती फिर ब्लॉग बनाना चाहिए था। मैंने बनाया हुआ है ये, और 2-3 बार बनाया है दिल्ली में, ठीक है। ये चाकू लेके क्यों कह रही हो बात? सबसे पहले, अरे सबसे पहले क्या, सब कुछ सबसे पहले ही हो रहा है, दूसरे नंबर पे कुछ होता ही नहीं है, देखता हूँ मैं। सबसे पहले कढ़ाई ले लें, सबसे पहले ये धो दें, फिर सबसे पहले चाकू ले लें। आइए दोस्तों इसको जैसे मर्जी हो ना, आप सिर्फ काटो इसको, क्योंकि मुझे तो बराबर काटना आता नहीं है, आई एम नॉट अ वेरी गुड कटर। अंदर ना 1 मिलियन थॉट्स चल रहे हैं एक साथ तुम्हारे, पता है क्या? और आदमी ना डिफेंस में ज्यादा चिल्लाता है। आज मैं वो तुम्हें खिलाऊंगी जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आदमी खिला दोगी क्या? आज देखो क्या हो, ऐसे रैंडम तो मैंने किसी को काटते हुए नहीं देखा। इसकी मशीन आती है क्या? हाँ, मशीन में भी काट सकते हो, जो आपका मन करे आप वो करो। ये लो कट गया हमारा, हमारे कटेगा, हमारे तो भी कटेगा बनते बनते, बनाने वाले का भी कटेगा, खाने वाले का भी कटेगा। हम लोग ना पालक को क्या करेंगे, पहले उबाल लेंगे, क्योंकि पालक अलग रखनी है, मुझे इसके साथ नहीं मिलाना है, ठीक है। पालक को इस कुकर में डाला, सारा बाहर गिर गया, चल अंदर। काट भी सकते थे हम दोस्तों इसको, लेकिन मैंने नहीं काटा, क्यों? मेरी मर्जी। और इसी के साथ हमने गैस ऑन कर दी,
ऑन हुई है क्या? देखो नहीं। तो दोस्तों गैस ही नहीं ऑन हुई है तो अगला काम कैसे होगा ना। दोस्तों इसी में हम लोग पालक को थोड़ा सा इतना हल्का जहा पानी डाल के ना, हल्का जहा हाँ। बाकी की पंजाबी कहाँ गई? अरे मक्के की रोटी तो सरसों का साग बन रहा है। अरे नमक नहीं है घर पे, नमक फूटा के रस है नहीं है, ये इतना ही है। तो कितने में तो हो जाएगा ना? नहीं हो तो कितने में भी जाएगा, जहर थोड़ी बनाना है, खाना ही बनाना है ना। ये हम लोग थोड़ा सा नमक जो कि स्वाद अनुसार नहीं है, सिर्फ इसको पिघालने के लिए है, इसको लगा देंगे हम लोग 2-3 सीटी। इसका काम हम लोग करेंगे यहीं पे तमाम। ये है पालक, इन केस इफ यू डोंट नो। इधर हम लोग अगली गैस जलाएंगे। दोस्तों जल गई, आ गया जी साग। कैसा लग रहा है? अभी हुआ क्या जो बताऊं कैसा लग रहा है? अब आता है काम अपने बथुए का। तो बेसिकली बथुआ, साग और पालक, तीन चीजें। हाँ जी, आपको सुआ डालना हो तो भी डाल सकते हो। सुआ क्या होता है? सोया। अच्छा, मुझे लगा वो सुई धागे वाली सुई भी डालोगे। नहीं, इसको ना छोटा 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 छोटा। आज मम्मी से बात हो रही थी, मैंने कहा मम्मी संभावना मक्के की रोटी सरसों का साग बनाने कह रही है। हाँ। तो मैं कहती चल इसी बहाने तेरे अंदर कुछ हरा तो जाएगा। लेकिन अब ये हरा हरा नहीं रहेगा ना, काला हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे से दोबारा दोस्त बोला ना, ये देखो इतना इजी है, ये डाल दिया इसमें, ठीक है। चाहती तो मैं उसके साथ ही इसको प्रेशर लगा देती, लेकिन मैंने नहीं लगाया। क्यों? मैं क्यों शॉर्टकट मारू? मैं वो क्यों करूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं? मैं अलग करूंगी, मैं अलग करूंगी। दोस्तों इसमें काम पता है किस चीज का आना है? बस ये थोड़ा सा हम लोग अभी डालेंगे, इनफैक्ट थोड़ा और डालेंगे, और यही चीजें हैं जो जिंदगी में आपको काम कराएंगी। थोड़ा सा लहसुन डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी है, और इसमें कुछ ज्यादा जाना नहीं है। ये हमने इसी के साथ डाल दिया है लहसुन और मिर्च, ठीक है। इसमें हम लोग इसी के साथ डाल देंगे। अब तुम ठीक है और दोस्तों नहीं बोलोगी, ठीक है? ठीक है। दोस्तों ये गया इसमें थोड़ा गया नमक, ठीक है। नमक की जरूरत पैंदी है बस इतनी पंजाबी। इसको हम लोग दोस्तों ढक देंगे, पानी डाल देंगे, आपका बन गया। बनी गया, मानोगे तो बनेगा ना, तो मानोगे नहीं तो बनेगा कैसे? लाइफ में हमेशा एक वो उच्च विचार उच्च विचारधारा होनी चाहिए। इसको यहाँ से साफ कर देंगे दोस्तों, क्योंकि घर में कोई और है नहीं काम करने के लिए, तो काम तो देखो अपने को खुद को ही करना पड़ेगा। तो जी दोस्तों एक ना साथ में मधानी ले लो। मधानी? मधानी एक तो वैसे तो होती है चिपटी मधानी, लेकिन मेरे पास यही वाली है जिसे दही बिल होते हैं, लेकिन मैं इसी से इसको चेक करूंगी क्योंकि मुझे इसको साथ साथ पीसना भी है। इसको पूरी तरह से गलाना है हमें धीरे धीरे, आराम आराम से, किसी ने हमें अवार्ड नहीं देना जल्दी बनाने का। दोस्तों आज जो आपको मिलेगा ना वो आप सोचोगे क्या हो गया। तो पता है क्या होगा जो मिलेगा? हाँ। देखो ठेगा ऐसा नहीं है दुबे साहब, आपने हमें गलत समझा है। लेकिन अभी नॉर्थ साइड में यही खाने का कितना ज्यादा मजा आएगा ना ठंड में। देखो मीनवाइल दोस्तों मैं जरा तड़के के लिए कुछ तैयारियां कर रही हूँ, वो मैं पहले से करके रख देती हूँ। जिसके लिए मुझे चाहिए बारीक कटा अदरक, जो कि बारीक लग नहीं रहा है इसमें, और अदरक डालो इससे भी ज्यादा डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारा काफी हद तक इसमें उबाला अच्छा आ चुका है, इसको मैं पीसती जा रही हूँ। सेम टाइम पे हमारी पालक थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए तो मैं इसको पीस दूंगी, क्योंकि इसको मुझे पीस के ही डालना है। और बाकी तो सब तैयार। और मक्की की रोटी? मक्की की रोटी के बिना खा लो ना आज साग, नॉर्मल रोटी बना देती हूँ। मक्की की रोटी जरूरी है क्या? आँख में पसीना गया, आँख में पसीना। बेबी इसके बाद कॉफी पिलाओगे मुझे? अभी पिला देता हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी काम कर रही लीडा मैं। तो जी दोस्तों वक्त आ चला है पालक की पिसाई का, तो अब हम पीस डालेंगे। अरे ये बन क्यों नहीं रहा है? बेबी देखना उड़ ना जाए, है अपने को इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों की उड़ ना जाए। अब दोस्तों आपको धीरे धीरे मेरी हर हरकत से समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाह रही थी। देखो वैसे तो सबको पता होगा जो साग होता है वो थोड़ा सा जब बन रहा होता है ना तो ये हरे से ना थोड़ा सा पीलेपन की तरफ चले जाते हैं। अगर आप पालक भी साथ में मिला देते तो वो पीला पीला ही रह जाता, लेकिन अगर अपने को अच्छा कलर चाहिए तो पालक को अलग से पीसो। समझ में कुछ नहीं आया मेरी, लेकिन हूँ कर दिया मैंने बेटा जी। आओ दोस्तों चेक मारेंगे ये हुआ है कि नहीं। नहीं नहीं हुआ है। तुम तो कह रही थी अभी हो जाएगा 2 मिनट में। हो जाएगा 2 मिनट बोला तो मतलब 2 मिनट ही हो गया क्या? अच्छा चीज बना रहा है क्या? खुशबू क्या आ रही है अभी? मुझे तो नहीं आई अभी तक। बच्चों को तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कोई अंदर नहीं आया। बच्चों
तुम्हारा मनोबल नहीं बढ़ा रहा कोई भी। चीयरलीडर्स आ गए पता है, इनको कपड़े पहना दो चीयरलीडर के और हर चौक पे ना ताली बजाएंगे और डांस करेंगे। अरे भाई तो शेर हो गया, अब बनेगा सरसों का साग, समझे ना आप। थोड़ा पानी देना इसके लिए, इधर से, इस बाजू से। इसमें डाल के? अरे इतना देर करेगा तो अपना तो। इसको अब हम पकने देंगे आराम से। मीनवाइल अभी तड़के की तैयारी मैं कर चुकी हूँ, हम लोग अब कर लेंगे मक्के के आटे की तैयारी। मक्के के आटे के लिए, मक्के की रोटी ना, हाँ मक्के की रोटी के लिए। तो मक्के के आटे के साथ हम सरसों का साग खाने वाले थे क्या? रोटी नहीं बनने वाली थी? ओ इसी से याद आया दोस्तों कि अपने को ना थोड़ा अब इसमें मक्के का आटा भी डालना है। भूल गई थी ये? हाँ। इसी से सारा स्वाद आना है, जिससे स्वाद आना था वही नहीं डाला मैंने। दोस्तों इसको आराम आराम से घुमाना है क्योंकि ये तो मक्खन जैसा लग रहा है। अभी डल्ले दिख रहे हैं आपको। अभी ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि मैं इसको अभी घसूंगी। देखो दोस्तों जब भी आपके लाइफ में ना कॉन्फिडेंस की कमी हो आपको पता है क्या करना है? हमको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है। नहीं मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जैसे मैं बना रही हूँ आप डर गए हो तो नजर ही नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान से मांगो कि ये चीज ठीक निकल आए, नया बर्तन है, नया कुकिंग ब्लॉग है ऑफ 2024, तो बस भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान सब ठीक कर देता है, भगवान सब ठीक कर देता है, ये भी ठीक ही हो रहा है। इसको हम लोग दोस्तों अब ढक देंगे। इसको हम 5 बार ढक चुके हैं लेकिन ये बन नहीं पा रहा है और खोल चुके हैं। और इधर अब हम करेंगे मेन काम, ये रहा गर्म पानी जिससे मेरे को बहुत डर लगता है दोस्तों। इसको हम डालेंगे बिना नापे इसमें, ये हो गया, समझ गया। अब मैं एक और चीज ला रही हूँ जो मुझे पता नहीं है, मैं भी खुद ढूंढूंगी पहले। हाँ चलो इसी से कर लेते हैं। अरे जल जाएगा भी, प्लास्टिक है। मेरे पैर पे चढ़ गई। तो दोस्तों जब कुछ समझना है तो दोस्तों बोल दो, वो देखूंगा कितने परेशान है दोनों माँ बेटी। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? फिर दोस्तों बिना डरे मक्के के आटे को हम लोग पानी में डालेंगे अपन, और हम लोग इसको धीरे धीरे मिलाएंगे। हाथ से पहले ही मिला दोगे तो आपका हाथ सड़ जाएगा। तो इसको पहले इससे मिलाओ, ठीक है? आराम आराम से मिलाने का है, अपने को बिल्कुल किसी चीज की जल्दी नहीं खे। नहीं खे, भोजपुरी कहाँ से आ गई? ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं, बेसन लग रहा है। बेसन है नहीं ना ये, वही तो बात है। ये देखो अब ये मिल गया है ना, अगर जब ये मिल जाए, जैसे ही मिल जाए, ये देखो ये मिल गया। हाँ उसके आगे वही तो बता रहा हूँ ना, इसके आगे करना क्या है, करना अपने को कुछ भी नहीं है। अब आपको जलने से बचना है था, आप बच गए, अब आप इसको मिलाओ धीरे धीरे, ठीक है? अभी भी गर्म है लेकिन काम चल जाएगा अपना, कि अपने को डल्ले चाहिए नहीं थे ना, डल्ले ही आ जाते तो मजा नहीं आता, समझ गए? वाह जिंदगी वाह, क्या करवा दिया। एक्टिंग करना चाह रही थी वो छोड़ के कुक बना दिया, वाह रे जिंदगी वाह। इसको बिल्कुल दड़दड़ा नहीं छोड़ना, इसको पीस डालना एकदम। दड़दड़ा मतलब? दड़दड़ा मतलब अंदर खुड्डे नहीं छोड़ना इसके। खुड्डे मतलब? ये खुड्डा होता है खुड, गांठे। गांठे मतलब? गांठे मतलब लोगों को पता जो बनाते हैं, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है वो, ठीक है? अरे हो गया? नहीं भाई पतला हुआ है, आटा और डालना पड़ेगा। तुम डालती रहो आटा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? सुनो इतना वो नहीं करने की जरूरत है, जरूरी थोड़ी कि एक बार में आपका सही बन जाए। आप अपने हिसाब से डालो आटा, डालो पानी, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे आपको कुछ करना है, जहाँ पे जो करने की जरूरत पड़े वो कर दो, बन गया। तो जी दोस्तों इधर हो चुका है हमारे मक्के की रोटी का आटा तैयार। पसीना मत गिरा देना आटे में अपना, ठीक है? तो पंखा चलो बीवी के लिए। पंखा चलूं? यहाँ से हवा आ रही है खिड़की से थोड़ी बहुत। तुम तो कह रही थी हो गया, थोड़ा सा और इसको कर रही हूँ, थोड़ा सा। मेरी बेबी को आज मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाऊंगी। तो जी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो साग है वो बहुत अच्छे से घुल गया है, ठीक है? अब इसको ना हम लोग बहुत स्लो आंच पे दूसरी तरफ रख देते हैं। मुझे सिर्फ तड़के की तैयारी करनी है, लेकिन तड़के पे एक और तड़का मारूंगी मैं, तड़का फिर एक और तड़का, जिसके लिए आप रेडी रहो। अच्छा अभी आप
आप सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्मल तेल में बना रही हूँ या किसी में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं फाइनली जो छौंका लगाऊंगी वो देसी घी का होगा। तो अभी सिर्फ नॉर्मल तड़के के लिए तेल ले ले, ये डाली हमने जी हींग, ये थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, ये डाल दिए अपन। और ये मैं बहुत बेसिक चीजें कर रही हूँ क्योंकि मेन तड़का भी बाकी है दोस्तों, इसमें डाल देंगे हम लोग। अब आप ये याद रखना कि ऑलरेडी अदरक, मिर्ची और लहसुन जब वो पक रहा था हम लोग डाल चुके हैं, तो इतने भी अंतहा मत कर देना कि मतलब चीज ही खराब हो जाए, ये नहीं करना अपने को। अपने को चीज स्वाद बनानी है, क्योंकि हमारे सरसों के साग में ऑलरेडी नमक गया था, तो हम लोग थोड़ा सोच समझ के इसमें नमक डालेंगे, ठीक है, सोच समझ के डालना। एक्चुअली होना टमाटर भी चाहिए था इसमें, अगर आप डालो तो डालो, नहीं डालो तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप प्याज भी नहीं डालोगे ना तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात के लिए, प्याज क्यों डाला। एक्चुअली सरसों के साग में जितनी कम चीजें डालोगे उतना अच्छा है। तड़के के नाम पे ना अक्खी चीजें डालो, मतलब अक्खा वो चला गया, अक्खी मिर्च, अक्खी मतलब खड़ी मिर्च, बड़ा लहसुन, लहसुन ये सब जाए। तो ये जो भी भुना हुआ हल्का सा प्याज है मेरे पास, उसको मैंने डाल देना इसके अंदर। एकदम तैयार हो चुका है, उसके अंदर जो एक नॉर्मल सा तड़का लगना था वो मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन अब फाइनल तड़का जो लगेगा, लग गया वो फाइनल तड़का जो लगेगा दोस्तों, वो अब आप देखोगे। इसमें ना कस के मारो घी, क्यों भैया सरसों का साग है, मजाक थोड़ी है। ये लो जी, आया मजा? क्या मजा आया, जब से बोल रही हमारा ये तैयार है, हमारा वो तैयार है, हमारा वो तैयार है, हमारा ये तैयार है, तैयार कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारा ये जो है ये तैयार हो चुका है, आपको मालूम है कि नहीं? तो क्यों हिलाया जा रही है, तैयार हो चुका है, क्योंकि तैयार हो चुका है। इसको मैं बंद ही कर रही हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपको देखनी पड़ेगी कि ना ये बहुत मोटी रहे ना ये बहुत पतली रहे। इवेंचुअली जो भी ठंडा होगा ना तो ये काफी जाड़ा हो जाएगा, मतलब कस जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ठंडा होके थोड़ा अपनी थिकनेस पकड़े। अब मैं इसको यहीं पे रख रही हूँ और अब मैं करूंगी मेन काम, जो कि है फाइनल तड़का इन द हाउस। तड़के के लिए दोस्तों ये तीन मिर्चियां डाल दी मैंने, ये अदरक जरूर डाल देना, बहुत टेस्टी लगेगा बहुत। ये लहसुन डाल देना, मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। और ये तीन चार डाल दो, क्या प्रॉब्लम है, किसी ने मना थोड़ी किया है, डाल दो जितनी डाल सकते हो डाल दो, क्योंकि इट इज गोइंग टू टेस्ट वेरी गुड। और फाइनल में भी हल्का सा हींग डाल दिया मैंने। ओके, ये हो गया हमारा तड़का तैयार। मक्के की रोटी की, अब ठीक है जी, आटा हमारा तैयार है। अगर सही इसको गूंदा गया है तो ये सही बनेगा, अगर सही नहीं गूंदा गया है तो फिर आप खुद देख लो। तो दोनों ही सूरत में गलती हो तुम्हारी है। हाँ, लेकिन भुगतना तो दूसरे को पड़ेगा ना। ओहो, देखा गलत हो गया। कुछ नहीं, डरो मत दोस्तों, कोई बात नहीं, होती है चीजें। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह फूल गया है, हैं? कोई बात नहीं, पहली रोटी सही नहीं भी बनी उसकी बन जाएगी। मुंह उतर चुका है तुम्हारा भी। थोड़ी गोल नहीं है क्या, इसको गोल कर दूं? नहीं नहीं, मक्के की रोटी कभी गोल नहीं होती है ना। हाँ हाला, ऐसे ही मैं डर रही हूँ बिना बात पे क्या। तो दोस्तों जैसे मुझे बहुत बढ़िया लग दे रहा है तो मैं इसको ना गोल बनाके छोड़ूंगी। ये लो, अरे चीट कोड बेबी। नहीं, मेरे को अपनी चीज सही भी तो दिखानी है, प्रेजेंटेशन नहीं होती कुछ। कितनी गोल बेबी, इसमें तो देख के लग रहा है कोई धोखाधड़ी हुई है। बेबी इसका मजा नहीं है, मक्के की रोटी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सुंदर लगती है, गोल मत बनाओ। टेढ़ी चाहिए क्या तुम्हें? हाँ टेढ़ी मेढ़ी चाहिए, कटी फटी साइड से। चलो ठीक है, ये तो लग रहा है स्पेन के कुक ने मक्के की रोटी बनाई है। अरे पलट किधर है? पलट पलट, अरे पलटा किधर गया रे? ये किसने चढ़ाया हुआ है जाली? अभी देखिए आप, देखो ना बेबी पलटा किधर है, हो गया यार मेरा। इसी से पलट दो फिलहाल? नहीं बेबी छोड़ ना, मेरी रोटी खराब हो जाएगी, ऐसा मत करो ना। ऐसा एक और पलटा होता है ना जो ऐसे पकड़ के सीखने वाला। मैं ढूंढता हूँ तुम करो तो। अच्छा इसलिए था, ये तो बहुत छोटी है बीबी, ऐसी तो मैं 200 खा जाऊंगा। बन मस्त रही है इस पे। तंदूर जैसा कर दिया तुमने, जल गई है क्या? नहीं नहीं, कैसे जल गई, लेकिन मुझे लगता बहुत छोटी है रोटी। तो जी ये गई दूसरी रोटी, क्योंकि मेरी डिमांड थी कि मक्के की रोटी गोल नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तभी मजा आता है। अभी बनेगी सही, पहली दूसरी ऐसी होती है। अच्छी है बेबी, ऐसी मतलब क्या, पलट दो इसको। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ।
जलाऊं क्या इसको? जलाऊंगा कि नहीं है, एसी पे अपन डाल देगा। ये फूल जाती है बेबी, अगर सही तरह से बिली होती है तो पता है टूट रही है ना बेबी। मक्के की रोटी ऐसी होती है, कभी सही से नहीं फूलती, थोड़े थोड़े बुलबुले होते हैं उसमें। खाई नहीं है क्या कभी? मजा है, फूल रही है, फूल रही है, फूल रही है। ये बनी है परफेक्ट। हाँ एकदम एकदम मजा ही आ गया बेबी, देखो क्या मस्त बनी है विजय। देखो ये इसको यहाँ रखते ही हम इसका बना देंगे यहाँ पे देसी घी से लबाबदार। अब मैं पहले तुम्हें टेस्ट करा देना चाहती हूँ, सो दैट मैं फिर आराम से बनाती रहूँ। रोटी और सरसों का साग मैंने बहुत सालों के बाद बनाया है, तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कैसा बना होगा, क्योंकि रोटियां भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रही थी। बट अब मेरा बेबी ट्राई करके बताएगा कि ये कैसी लगी है। अब अविनाश टेस्ट करके बताएगा, मुझे कुछ पता नहीं है नमक वगैरह का, सो अभी आपको बताते हैं। और ये रहा पहला बाइट। बहुत ही बढ़िया, अच्छा है, माइंड ब्लोइंग यार। मैं शायद मुंबई आने का पहली बार मक्के की रोटी सरसों का साग खा रहा हूँ, तो मुझे भी कई साल हो गए, और ये टेस्ट जब वापस आए तो नॉस्टैल्जिया हो गया। ये जी अगली बाइट आप लोगों के लिए, ये आज मैं अब खा के बताती हूँ आपको कैसा है। मजा आया ना, ऐसा लगा ना दिल्ली की शादियों में पहुंच गए हैं, रात को ठंड में खुले आसमान के नीचे। ओ माय गॉड एक्चुअली मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई हुई हैं, लेकिन आई थिंक ये अब तक का बेस्ट है। ओरे बाबा, ये दिल्ली पंजाब में समय के आगे टेस्ट हो रहा होगा इसका। बेबी ये खाने के बाद कम से कम एक घंटा सोना पड़ेगा। अविनाश दिस इज टू गुड, माइंड ब्लोइंग। मेरी रोटी आई फील और थोड़ी बेटर बन सकती थी, क्योंकि मैं दो तीन बार कोशिश करूंगी तो बन जाएगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो मेकिंग इट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन टेस्ट एकदम बराबर था। तो विद दिस आज का हमारा पहला 2024 का पहला कुकिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज अमान से एंटरटेनमेंट। वक्त लगता है इसमें, तो तुम्हें अब अगली रोटी अभी खा लेनी है। नहीं पहले बना लो सारी, एक साथ खाएंगे। भाई बहुत मेहनत की है, मतलब क्योंकि मुझे पता है वो कोई भी चीज आराम से जल्दी से बना देती है 15-20 मिनट में, इसमें जी लगा है पूरा का पूरा घंटा भर शुरू से लेके एंड तक, मतलब तैयारी करने से। एक्चुअली तैयारी करने लेकिन लेकिन मेहनत रंग लाई है बेबी, भरपूर रंग लाई है। सब्र का फल मीठा नहीं, सब्र का फल मक्के की रोटी और सरसों का साग।